हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? जर्नल एंट्री हमारा एंड हो चुका है, लेजर की आज शुरुआत करनी है। लेजर अकाउंट, क्या हमने कहा जी? लेजर, LEDGER, लेजर अकाउंट। सर ये क्या होता है? देखो, आपने अकाउंट्स के लैंग्वेज में हमने कहा था बिजनेस अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग जो है बिजनेस लैंग्वेज है। मेरे बच्चों, उस लैंग्वेज के अंदर में आपने जो मेन पड़ाव था ना, जनरल एंट्री वाला, वो आप पार कर चुके हो। आज हमने क्या करना है, हमें उसके सेकेंड पड़ाव पे आना है, जिसको हम बोलेंगे लेजर अकाउंट। जब बात सेकेंड पड़ाव की हमने की है, तो आप याद रखना, इसको हम सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स, इसको सेकेंडरी रिकॉर्डिंग क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आप याद रखना, जर्नल एंट्री आपका प्राइमरी रिकॉर्ड हो गया, पहला रिकॉर्डिंग, और जर्नल एंट्री से ही हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या है, क्या मतलब, आप जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन उसके पहले हमें शुरुआत से बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले एंट्री सिखाऊंगा और जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आओ जरा पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप मेरे साथ लिखिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। लिखेंगे आज का आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। सर लेजर थोड़ा समझाओ ना क्या होता है, वही समझा रहा हूँ बच्चे, उसी को समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ। जरा सुनो ये क्या बोलता है आपका, लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे मेरे साथ लिखेंगे मेरे साथ। कहता है कि ऐसे लिखो आप, पास जनरल एंट्रीज एंड prepare ledger accounts। सर आप समझाओ ना पहले ledger क्या होते हैं, अभी बताऊंगा, आप चिंता ना करो, दो मिनट शांत रहो, आप लिखो मेरे साथ पहले यहां पे। कहता मेरे बच्चे, 1 जनवरी 2018 को कहता है राम कमेंस्ड बिजनेस। लिखिए मेरे साथ साथ लिखेंगे, राम कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20 लाख। 20 लाख रुपए के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर कहता मेरे बच्चे, आगे लिखना यहां पे, 5 जनवरी 2018 को कहता है कि राम यहां पे कौन है बच्चे, यही फॉर्म चला रहा, तो यही फॉर्म है ना। तो मैं देखो, जब एक बंदा हो ना, जब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो राम है, तो आगे के एंट्री में राम कहूंगा चाहे फॉर्म कहूंगा, आप फॉर्म ही समझना। हाँ, बिजनेस में राम और आपका फॉर्म अलग हो गया, कोई बात नहीं। अब जितनी सारी बातें करूंगा फॉर्म के लिए कह रहा हूं, तो आप राम समझ लो, चाहे चलो मैं कन्फ्यूजन ना हो ऐसे लिख देता हूं। यहां पे लिखो फॉर्म, मैंने कह दिया फॉर्म बोले राम बोले, मीनिंग सेम है ना। फॉर्म परचेज्ड, कहता कि फर्म ने परचेज किया मशीन साथ साथ लिखेंगे मशीन फॉर ₹3 लाख ऑन कैश बेसिस। कैश पे यहां पे क्या हुआ जी, 3 लाख का मशीन परचेज किया गया। फिर लिखो यहां पे, कहता है कि 7 जनवरी 2018 को कहता है कि फर्म परचेज्ड फर्नीचर, इन्होंने फर्नीचर भी परचेज किया जी, फॉर ₹2,50,000 इन कैश में, यानी कि कैश पे परचेज किया इन्होंने। फिर कहता कि 10 जनवरी 2018 को, सर ये क्या कर रहे हो, लिखो तो बताऊंगा। कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 वाज परचेज्ड फॉर कैश। और फिर कहता आपका यहां पे 14 जनवरी 2018 में, लिखना यहां पे 14 जनवरी, कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
75,000 was purchased on credit. क्रेडिट पे यानी कि क्रेडिटर से हमने परचेज किया है. फिर कहता है यहां पे आपका लिखिए 20 जनवरी 2018 को कहता है कि रुपीस, देखो हमने जब गुड्स परचेज किया था 75,000 का ऑन क्रेडिट, नाम लिख दो क्या, नाम ना बताया तो क्रेडिटर कहते हैं. मान लो कहता है फ्रॉम आपका सोहन से उन्होंने परचेज किया, ठीक है ना. अब देखो यहां पे 20 जनवरी को रुपीज 25,000 पेड इन कैश टू सोहन, जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया था सोहन से, हमने कुछ दिनों के बाद उनका 25 पे किया, पूरा नहीं 75 में कितना पे किया 25,000. फिर कहता है यहां पे 24 जनवरी 2018 को लिखना यहां पे रुपीस आपका कितना ले लूं, चलो लेता हूं इस बार 30,000. फिर से हमने क्या किया 30,000 पेड इन कैश टू सोहन. लो सोहन को हमने दोबारा पे किया 75 में से 25 यहां पे कर दिया, 30 यहां पे कर दिया. इसके बाद कहता आपका 25 जनवरी 2018 को लिखो कैश रुपीज 3 लाख कैश रुपीज 3 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने यहां पे क्या किया 3 लाख रुपए जो कैश हमारे पास था वो हमने बैंक में जमा किया बच्चे. फिर लिखो यहां पे 28 जनवरी को. सर क्या कर रहे हो आप, लिखो तो बताऊंगा. अभी तो आप जानते हो एंट्री, फिर लेजर बताऊंगा लेजर क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा. लिखो यहां पे 28 को रुपीस कहता है या फिर ऐसे लिखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 9,50,000 में हमने कैश पे बेचा मेरे बच्चे. और 30th जनवरी 2018 को कहता है यहां पे लिखना गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू किसको लिखो, श्याम फॉर रुपीज 3,50,000. और चलो 31 तारीख एक और एंट्री करते हैं 31st जनवरी 2018 को. कहता है कि देखो गुड्स हमने श्याम को बेचा था कितने का, 3.5 लाख. तो कहता है कि रुपीज आपने 2,80,000 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम श्याम जिसको हमने गुड्स बेचा था क्रेडिट पे 3.5 लाख रुपए बचे, उसमें 280 हमारे पास कैश यहाँ रिसीव हो गया. ये हमने एक महीने की बातें आपको बताई है. एक बिजनेस है राम जिसने आपका 1 जनवरी 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया था. और मेरे बच्चे एक महीने में कुछ घटनाएं उसके बिजनेस में घटी हैं, कुछ ट्रांजेक्शन उनके बिजनेस में हुए हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ये सारे वो ट्रांजेक्शन हैं. आपको क्या करना है, पहले तो इसकी एंट्री पास करना है जनरल एंट्री, और फिर इसको आप लेजर में कन्वर्ट करोगे. सर आपने कहा था कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे. हाँ बच्चे थोड़ा सा सब्र करो, मेरा काम पहले आपको लैंग्वेज तो सिखा दूं मैं. जब मैं लैंग्वेज सिखा दूंगा तब फिर मैं क्या करूंगा, आपको सजाना सिखाऊंगा कैसे सजाया जाता है. तो लेजर अकाउंट तक वेट कीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे. पहले हम बात तो समझते हैं ठीक से. आओ जरा हम इनको पहले जनरल एंट्रीज में लेके आते हैं जो पिछली क्लास तक हमने बातें सीखा हुआ है. आप जानते हैं जनरल एंट्री में हमने आपको बताया हुआ है, कहीं लिख दो किनारे में, कि एसेट्स और एक्सपेंस का बढ़ना हम डेबिट करते हैं और घटना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. अगर वो कैपिटल है, अगर वो लायबिलिटी है, अगर वो आपका रेवेन्यू है, तो इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज तो डेबिट करेंगे. आप ये रूल जानते हैं, मैंने ये बातें आपको समझाया है.
पिछले 10-11 क्लासों से जब जनरल एंट्री हम पढ़ रहे थे, पर बच्चे हर एक में ये बात मैंने आपको सिखाई है। तो मैं जानता हूं कि अब आपका इस पे कमांड हो चुका है, मैं फटाफट क्या करता हूं, जनरल एंट्री में आता हूं। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली। मैं पहले आपका एक काम करता हूं, मैं पहले आपको जनरल एंट्रीज सिखाता हूं। लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में, यहां पे आपका सॉल्यूशन में जनरल एंट्रीज। मैं थोड़ा सा इधर और कर देता हूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, यहां सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाऊं जनरल एंट्रीज। लिखिए मेरे साथ जनरल एंट्रीज। बताओ जरा जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा, आप चेक करो। 1 जनवरी को, पहले 1 जनवरी को आपने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तो बिजनेस का कैश बढ़ गया, कैश हमारा एसेट है, बढ़ना डेबिट किया जाएगा। कितने से कैश बढ़ गया, 20 लाख से। तो 20 लाख से हमने कैश बढ़ा दिया, और हमें ओनर का क्लेम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। राम ना लिख के हम उसको कैपिटल के नाम से पुकारेंगे। कैपिटल बढ़ना क्रिएट किया जाएगा 20 लाख का अमाउंट। लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है ना। फिर देखो 5 जनवरी की बात करता हूँ, लिखो यहाँ पे डेट वाइज 5 जनवरी को क्या हुआ। फर्म ने परचेज किया मशीन। मेरे बच्चे एसेट है, आप देखो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ क्या। मशीन एसेट से बढ़ रहा है और कैश हमारा क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। तो मशीन हमारा एसेट से बढ़ना डेबिट करेंगे। आप लिखो यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन मशीनरी कुछ भी लिख सकते हैं। और कैश हमारे पास से चला गया टू कैश अकाउंट। तो बताओ कितने का मशीन था, 3 लाख। 3 लाख से आपका मशीन बढ़ा है और 3 लाख से कैश आपके पास से चले गए हैं, ठीक है। 1 तारीख की एंट्री हो गई 5 तारीख की। अब हम यहाँ पे 7 जनवरी की एंट्री लेकर आते हैं। फर्म ने फर्नीचर परचेज किया मेरे बच्चे 250 का फॉर कैश। तो हुआ क्या कि फर्म के पास फर्नीचर आया और कैश चला गया। तो फर्नीचर हमारा एसेट से बढ़ना डेबिट, आइए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और कैश चला गया तो आप यहां बोलेंगे टू कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट से कम होना क्रेडिट। अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि वो बातें मेरा समझाने का आज मोटिव नहीं है। आज मैं आपको लेजर पर लेकर आना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ रहा है क्योंकि इसी से लेजर बनता है मेरे बच्चों। 10 जनवरी को यहां लिखिए आप, 10 जनवरी को क्या बता रहा आपका, आपने 1,20,000 का गुड्स परचेज किया। तो एक तो परचेज अकाउंट बढ़ेगा और कैश हमारा कम होगा। गुड्स जब भी परचेज करते हैं तो हम परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये लीजिए परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया और हमारे पास से कैश चला गया, यानी कि टू कैश अकाउंट। बोलो जरा कितने का आपका है, 1,20,000 एंड 1,20,000, ये भी काम हो गया। फिर 14 जनवरी, ये लो 14 जनवरी को कहता है कि गुड्स आपने 75,000 का परचेज किया, परचेज बढ़ा और क्रेडिट पे बढ़ा बच्चे, यानी कि शाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर हो गया शाम, क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गया, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट ही इज कॉल्ड लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो परचेजेज को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आप क्या बोलेंगे, टू सोहन। नाम ना बोलता तो मैं यहां पे क्रेडिटर लिखता, बट आपका टू सोहन कितना जी, 75,000। अरे हाँ, आज एक बात तो मुझे आपको बताना ही है, वो सवाल जो आप बार बार पूछा करते थे कि हर एक नाम के आगे में आप अकाउंट क्यों लगाते हो, आज उस सवाल का जवाब दूंगा बच्चे। आज समय आ चुका है, थोड़ा सा सब्र करना, आप जरा आगे बढ़ो। 20 जनवरी की बात कर लो, 20 जनवरी की बात कर लो। ये देखो हमने क्या किया, सोहन को 25,000 पे कर दिया, कैश चला गया और सोहन की जो लाइबिलिटी हमने बढ़ाई थी अब वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट किया जाएगा, देख रहे हो ना, लाइबिलिटी कम होना डेबिट किया जाएगा। तो सोहन अकाउंट डेबिटेड और मेरे बच्चे कैश हमारे पास से चला गया तो टू कैश अकाउंट। बताइए सोहन टू कैश कितना आपका हो गया, 25,000। ये लीजिए आपका 25,000 से एंट्री हो गई 20 जनवरी के बाद। फिर आपका 24 जनवरी आया। सर ये तो जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ ना बच्चे, ना, मैं इसके बाद सेकेंडरी में आऊंगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स होता है, फिर सेकेंडरी में हम आएंगे, पहले हम 24th को आए। 30,000 हमने कैश पे कर दिया सोहन को, तो फिर से सोहन कम हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा, यानी कि यही एंट्री दोबारा पास कीजिए। आपने सोहन अकाउंट को डेबिट किया
और आपने कहा टू कैश अकाउंट। बोलो जरा ये एंट्री कितने से आपका हो जाएगा? सर 30,000 हमने पे किया है। तो 30,000 एंड 30,000 से एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। और बच्चे 25 जनवरी को आया, आओ ना देखें हम 25 जनवरी को क्या हुआ है। कहता है कि आपने 3 लाख कैश डिपॉजिट किया बैंक में। समझो ना मेरी बात, मेरी बात समझो ना। अगर हमने बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा और कैश हमारे गुल्लक से कम हो गया, तो हमारे तिजोरी से कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, बैंक में जो पैसा है वो हमारा बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ना डेबिट किया जाएगा 3 लाख से। ये लीजिए हमारा 3 लाख। और मेरे बच्चे कैश हमारा कम हो गया तो टू कैश अकाउंट, बताओ कैश कितने से कम हो गया? 3 लाख से। तो ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। नाउ वी कम टू 28 जनवरी। देखो जरा अब हम 28 जनवरी की बात कर रहे हैं, सुनो जरा क्या हो रहा है आपका। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 950। सुनो सुनो सुनो, अगर हमने गुड्स बेचा है तो एक तो हमारा सेल यानी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, और जब बेचूंगा कैश पे तो कैश भी तो बढ़ेगा, कैश भी तो बढ़ेगा, यानी कि अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना जी? 9,50,000। 9.5 लाख से कैश बढ़ गया। और मेरे बच्चे टू सेल्स अकाउंट यानी कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा दोगे कितने से जी? 950 से, 950 का अमाउंट। ये भी आपका काम पूरा हो गया 28 के बाद। फिर अगला निकल के आ रहा है 30th जनवरी। 30th जनवरी जरा सुनो, कहता है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बच्चे सेल किया, एक तो आपका सेल बढ़ेगा और क्रेडिट पे तो श्याम जो आपका डेटर है वो भी बढ़ जाएगा, हमें श्याम से पैसा लेना है तो श्याम अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, श्याम अकाउंट डेबिट करना होगा एंड टू सेल्स अकाउंट। अगर पैसा आ गया होता तो मैं कैश को डेबिट करता, पैसा नहीं आया तो श्याम के नाम को लिखूंगा जिससे मुझे पैसा लेना है। कितना अमाउंट आपका हो गया जी? 3,50,000। ये ना सर? हाँ जी, 350। लो ये भी काम कर लिया 350। और एक लास्ट एंट्री और है 31st जनवरी की, आ हम वो भी कर लेते हैं। ये देखो जरा आपका, कहते हैं कि 2,80,000 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम श्याम। अरे श्याम जो मेरा डेटर था उससे पैसा रिसीव किया, तो बच्चे अब श्याम के अकाउंट को कम कर दूंगा और कैश को बढ़ा दूंगा। जब श्याम से पैसा मिल गया तो श्याम जो हमने डेबिट किया था क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे जी? कैश को। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया एंड टू श्याम। सर आज आप बहुत फास्ट चल रहे हो ना बच्चे, ना ऐसा ना कहो। अरे ये तो बातें मैं पिछले 10-11 क्लासेज में आपको मैंने सिखाया है, और फिर भी अगर आप कहोगे कि मैं फास्ट हूँ तो फिर गंदा लगता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें। ये कौन आवाज़ कर रहा है? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मुझे कहीं कोई भूत तो नहीं आया हमारे इस रूम के अंदर में, स्टूडियो के अंदर में। तो मैं कह रहा था ये हमने यहाँ पे आपको जनरल एंट्री दिखा दिया, जनरल एंट्री दिखा दिया। अब ना एक दो सवाल का मुझे जवाब दो। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, लेजर का कॉन्सेप्ट क्यों आया मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले एक सवाल का जवाब दो। देखो एक महीने में जितनी सारी बातें हुई हैं वो सारी बातें हमने क्या किया? रिकॉर्डिंग कर लिया जनरल एंट्री में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन है, आगे बताऊंगा, आज समझ लेना। प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स मतलब जनरल एंट्री हमने किया आपका, ठीक है ना। अब ये जो जनरल एंट्री पास किया मैं, अब इनको हटाता हूं, ये हट गया, ठीक है ना। और देखो मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं, ये रहे आप, ये रहे आप जिसने इस कंपनी का, इस राम का पूरा रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया, ठीक है। एक सवाल का जवाब दो। मान लो आप हो ये अकाउंटेंट जिसने ये एंट्री पास किया, आप अकाउंटेंट हो और मैं इस फर्म का मालिक हूं, मैं ओनर हूं, और मैं आज अभी आपके पास आया और आकर पूछा, जरा बताओ कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, बताओ। अगर मैं पूछ दूं कि आपको तिजोरी नहीं देखना, ना 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 तिजोरी नहीं देखना, आप इस एंट्री को देख के बताओ, इन एंट्रीज को जो आपने पास किया, कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो क्या बता दोगे? क्या बताओ, बता दोगे आप? देखो आपने जो एंट्रीज पास किया मेरे बच्चे,
इसमें कैश जो है ना, कई जगह नाम, एक जगह कैश बढ़ाया, फिर कैश कम किया, फिर कैश कम किया, फिर कैश कम किया, फिर कैश कम किया, मतलब कई बार एंट्री पास किया। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि जरा देखो, यहाँ पे आपने जो जो गुड्स परचेज किया था सोहन से, वो सोहन को आपने अभी और कितना पेमेंट करना है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको एक महीने की बात कर रहा हूं, और किसी भी फर्म के अंदर में एक महीने में सिर्फ 10-12 एंट्री नहीं होते, लाखों एंट्री होते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि इसको देख के बताओ कि सोहन जिससे हमने परचेज किया था जी क्रेडिट पे, जिनको हमें पेमेंट करना था, उनको अभी और कितना पेमेंट करना है, और कितना पेमेंट करना, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप कैलकुलेटर उठाओगे जी और प्लस माइनस करना शुरू करोगे। देखो आप क्या करोगे कि यार सोहन को हमें 75,000 पेमेंट करना था, 75 में हमने 25,000 पे किया, और आपने फिर कितना पे किया, 30,000। मतलब आपने ये काम करना शुरू किया, कैलकुलेटर लिया, प्लस माइनस करना, ये करना, वो करना, ऐसे ऐसे करना, और पता नहीं इसमें कितने समय गुजार दोगे, क्योंकि यहां तो सोहन की 3 एंट्री है। अगर सोहन से 100 एंट्री हुआ होगा तो 100 बार प्लस माइनस करोगे तब मुझे बताओगे, और इतना मेरे पास समय नहीं है। मैं मालिक हूं इस फर्म का, मुझे हजारों काम है, लाखों काम है, और मैंने आपको इसलिए नहीं रखा कि आपको जब पूछो तो आप क्या करो जी, आप देखना शुरू करो कि हाँ ये हम कितना प्लस करें, कितना माइनस करें, ये काम आपका नहीं है। तो मेरे बच्चे उस केस में क्या होगा, हमें यहां पे आपका किसी भी एक अकाउंट में एक्चुअली कितना बैलेंस है, मतलब उसका आज हमारे पास कितना अमाउंट का बैलेंस है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर अकाउंट का सहारा लेते हैं। लेजर हमें हेल्प करता है मेरे बच्चे जानने में कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे आखिर हमें उस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ, लेकिन शुरू करते हैं। हमने ये जो बातें आपको समझाई थी जर्नल एंट्री में, हमें अब हर एक अकाउंट का अलग अलग बैलेंस जानना है। मुझे इस बात को जानना है कि जो इतने सारे लेन देन आपके हुए हैं, आना जाना पैसे का ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, मतलब महीने के एंड में मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, मशीन कितना पड़ा हुआ है, बिल्डिंग कितना पड़ा हुआ है, मैं सबका बैलेंस जानना चाहता हूँ। ये बैलेंस कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लेजर अकाउंट के थ्रू, मेरे बच्चे मैं अब इसको मिटाऊंगा, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने अब जो लेजर अकाउंट बनाना होता है, हमारा जो लेजर अकाउंट बनता है मेरे बच्चे, वो बनता है आपका जर्नल एंट्री के हेल्प से, यानी कि जो जर्नल एंट्री पास किया इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, पहले जितने नाम आप देख रहे हो ना, कैश नाम दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, मशीन दिख रहा है, फर्नीचर, जितने नाम दिख रहा है सबका लेजर अकाउंट खुलता है। मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, या आप मुझसे पढ़ चुके होंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। मेरे बच्चे मैं अब उनको क्लासिफाई करूंगा, मतलब एक जैसे नाम के जो ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करूंगा। और इस प्रोसेस में पहले मैं कैश के बारे में बात करता हूँ। आइए जरा शुरू करेंगे, आप हेडिंग डालिए लेजर अकाउंट्स। आप यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, और लेजर में पहले आप बनाएंगे कैश अकाउंट। आप बनाएं मेरे साथ यहाँ पे कैश अकाउंट, मैं पहले आपको कैश अकाउंट बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। लिखिए मेरे साथ कैश अकाउंट। देखो नाम के आगे अकाउंट जोड़ने का मतलब होता है कि अब मैं यहाँ पे जो बातें करूंगा ना, यहाँ पे जितनी सारी बातें करूंगा वो सारी बातें कैश की होंगी। आप एक काम करो, अपने रजिस्टर का बिल्कुल फ्रेश पेज लो, बिल्कुल फ्रेश पेज, और उस पेज में क्या करो, आप आधे पेज पे क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ पे ऐसे किया और फिर ऐसे किया, यानी कि टी शेप में इसको बनाएंगे। टी शेप का मतलब हो गया पेज का स्टार्टिंग से एंड तक आप ये करेंगे, और बीच में ऐसे एक लाइनिंग करेंगे, जैसे टी नहीं बनाते, टी बन गया, उसी तरीके से टी शेप। तो मेरे बच्चे अब ये पहले कर लो, उसके बाद आप क्या करो, एक देख लो पहले, उसके बाद बनाना। एक कॉलम आपने छोटा सा बनाया, आपने पहले क्या किया, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका छोटा सा बनाया, फिर मैं एक कॉलम थोड़ा बड़ा सा लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा सा, और फिर एक कॉलम हमारा ये हो गया, मतलब 3 कॉलम यहां बनाए जा रहे हैं,
मेरी थोड़ी लाइनिंग टेढ़ी हो जा रही है, बट कोई बात नहीं, आप सीधा कर लेना। पर बच्चे ये जो तीन हुआ ना, देखो इस तीन में मैंने इसको लिखा डेट कॉलम, ये हमारा डेट कॉलम है जिसमें हम डेट वाइज एंट्री करेंगे। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आपका पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और ये कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट का, अमाउंट का। सर क्या कर रहे हो अभी समझाऊंगा मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। अब उसी तरीके से तीन कॉलम इधर भी बनाइए और सेम नाम के साथ, यानी कि आपका तीन में पहला कॉलम आपका ये हो गया, बीच वाला कॉलम हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और फिर आपका ये, तो यहाँ पे फिर से आपका डेट आ गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स आ गया, साथ साथ बनाइए, साथ साथ बनाइए, और ये फिर हमारा अमाउंट बन गया। अगर अभी तक आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो मेरी क्लास को यहीं पर पॉज कर लो, पहले बना लो फिर क्लास को आगे बढ़ाओ, लेकिन बनना है पूरे डायग्राम के साथ ही, आपको सारी एंट्री मेरे साथ करनी है, सारी एंट्री मेरे साथ करनी है मेरे बच्चे। कैश अकाउंट आपका है, हम कैश अकाउंट यानी कि इनमें जितनी सारी एंट्री कैश वाली है हम उस कैश को एक जगह इकट्ठा करेंगे। इसमें तीन कॉलम, एक आपका डेट, एक पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक और भी कॉलम आता है, क्या आता है वो हमारे आज का चर्चा का विषय नहीं है। पहले हम मोटा मोटी सीख रहे हैं कि लेजर अकाउंट बनते कैसे हैं, लेजर अकाउंट बनते कैसे हैं। देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो, आप जरा देखो मेरे साथ, ये देख रहे हो आप, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर ये क्या है, अभी देखो, इतनी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये देखो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, आप देखो, पेन देखो, पेन देखो, मेरे पेन देखो, चार चार कलर के हैं, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, और ये पता नहीं ये भी ब्लू बोल देंगे, जो भी हो, चार तरीके का। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मेरे पास रिमोट भी है, मेरे पास देखो मार्कर भी है, मार्कर भी देखो जरा कई तरीके के, वो ब्लू कलर लगा हुआ कहीं पे, कहीं देखो रेड भी लगा हुआ है, कहीं ब्लैक, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये सब कुछ मेरे हाथ में पड़ा है मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। ये जो काम किया ना, ये जो सब कुछ एक साथ पड़ा हुआ है, ये काम हमने जनरल एंट्री में किया है, सब कुछ हमारे पास यहां पड़ा हुआ है। मैं अब इसमें से उन इंफॉर्मेशन को अलग करूंगा, उसको अलग करूंगा जो मार्कर है, जो मार्कर इसमें है, और मार्कर भी कौन सा, ब्लैक वाला। मैं इसमें से मार्कर को अलग करूंगा, एक जगह करूंगा, एक जगह, वो भी कौन सा, ब्लैक वाला। क्या ये मार्कर है क्या, नहीं सर। क्या ये मार्कर है क्या, नहीं सर। ये है क्या, नहीं सर। ये क्या, नहीं सर। क्या ये मार्कर है क्या, हाँ मार्कर है, लेकिन मेरे बच्चे ये ब्लू वाला है, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। आप देखो यहाँ पे एक और मार्कर है, ये आपका रेड वाला, इसको भी छोड़ दूंगा, और ये देखो एक और मार्कर मुझे दिखा ब्लू वाला, इसको भी छोड़ दूंगा। ये सारे मार्कर जो है ना, ये सारे मार्कर आप देख सकते हो ब्लैक वाले हैं, तो मैं इन सब में से ब्लैक वाले मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह रखना चाहता हूं, एक जगह रखना चाहता हूं। उसी तरीके से मेरे बच्चे लेजर अकाउंट में क्या होता है, लेजर अकाउंट में क्या होता है कि जितनी सारी एंट्रीज पास किया उसमें से कैश से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें उनको सिर्फ आपको यहां पर रखना है, हम उनका क्लासिफाइंग कर रहे हैं, क्लासिफाइंग एक नेचर की बातें एक जगह रिकॉर्ड करना। सर इससे क्या फायदा होगा, दो मिनट देख लो, अभी दो मिनट में समझा दूंगा क्या फायदा होगा, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूं जी, इनमें से उन एंट्रीज को यहां लिखूंगा जो कि कैश से जुड़ी हुई है, कैश से। अच्छा एक बात और सुनो, मैं लेजर अकाउंट बनाने के दो तरीके बताऊंगा, एक बकवास तरीका, एक बकवास तरीका जो मैं, आप और दुनिया के सारे बच्चे फॉलो करते हैं बुक के मुताबिक, और एक मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट, लेकिन वो शॉर्टकट समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सिर्फ आप, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, थोड़ा सब्र करना, हो सकता है कि इस क्लास में हम वो शॉर्टकट ना बता पाए समय की कमी के चलते, लेकिन प्रॉमिस करता हूं फिर अगली क्लास में पक्का बता दूंगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आइए जरा एक बोरिंग तरीका, एक वो तरीका जो सारे लोग फॉलो करते हैं, या वही आपके बुक में कहा गया वही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मजा आएगा। सुनो ये देखो, कैश अकाउंट बना रहा हूं, हमने क्या किया, मैं कुछ अब कर रहा हूं ब्लू से, आप नहीं करना। ये देखो हमारा टी शेप था, यहां तक था ना बच्चे, ये एक साइड है, एक साइड आपका, पता है लेजर अकाउंट में ये जो हमने दो साइड बनाया, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, मेरे बच्चे इसमें ये जो साइड है ना, ये साइड आपका, इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, लिख दो आप मेरे साथ डेबिट साइड। सर आप ब्लू में लिख रहे हो, हम भी ब्लू में लिखे क्या, ना बच्चे ना, आप ब्लैक से लिख दो, डेबिट कर दो, और इस साइड को बोल दो क्या, क्रेडिट साइड, क्रेडिट।
जैसे जनरल एंट्री में नहीं होता था डेबिट क्रेडिट आपका, वो डेबिट आपका बढ़ना घटना वही काम यहां करना मेरे बच्चे। आप देखो मैं कितने सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाते समय क्या करना है आपको, यहां पे हमने पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया। इस फॉर्मेट में ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। और ध्यान रहे आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, आप कसम खा लो यहां पे उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करोगे, यहां पे उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करोगे जो कैश से जुड़े हुए हैं। कैश, मैं कैश की बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जरा बताओ कि कैश का डेबिट होना, जरा बताओ कैश यानी कि एसेट्स का डेबिट होना क्या कहा जाएगा, बोलो। सर आपने एंट्री में सिखाया था कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, मेरे बच्चे यहां भी वही काम है। पता है कैश का आपका डेबिट साइड, मतलब कैश जब जब बढ़ेगा तो आपको इस साइड लिखना है, और कैश जब जब घटेगा तो मुझे क्या करना, क्रेडिट करना। सर समझ में नहीं आया, अभी दिखाता हूं, आओ जरा। पहले एक सिंपल तरीका, मतलब बोरिंग तरीका, सिंपल यानी कि बोरिंग। मुझे बताओ इस एंट्री में, आप ये एंट्री देख के बताओ कि इस एंट्री में कैश आपका डेबिट में है कि क्रेडिट में है। सर हमें डेबिट में दिख रहा है। आप एक काम करो, लिख दो पहले एसेट डेबिट, लिख दो जिसका अकाउंट बना रहे हो मेरे बच्चे, उसी के आगे लिखना। आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो जनरल एंट्री में जो कैश अकाउंट है ना उसके आगे लिख दो डेबिट आपका, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इस 5 तारीख की एंट्री में कैश आपका डेबिट में है कि क्रेडिट में है। सर 2 जहां लगाते हो वो क्रेडिट वाला होता है, तो आप लिख दो कैश के आगे में क्रेडिट। पता है हम कहां लिख रहे हैं, हम कहां लिख रहे हैं, जिसका अकाउंट बना रहे बच्चे, हम ढूंढ रहे हैं कि वो नाम हमारी एंट्री में डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर वो नाम डेबिट में है तो हम उसके आगे डेबिट लिख रहे हैं, अगर वो नाम क्रेडिट में है तो उसके आगे हम क्रेडिट लिख रहे हैं। जरा बताओ इस एंट्री को देख के कैश कहां दिख रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। सर क्रेडिट में, तो कैश के आगे लिख दो आप यहां पे क्रेडिट। सर ये क्या कर रहे हो, अभी बताऊंगा। सर एग्जाम में हम ये लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आगे लिखने का नौबत भी नहीं आएगा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। पहले आप लिख दो यहां पे परचेज टू कैश, देखो कैश क्रेडिट में है, लिख दो यहां पे क्रेडिट। यहां देखो परचेज टू फोन, मेरे बच्चे यहां तो कोई कैश का नाम ही नहीं है, छोड़ दो, हम कैश को ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे जो कैश हमारा दोस्त है वो कहां छिपा हुआ है, किस एंट्री में है, मेरे बच्चे यहां पे हमें कैश नहीं दिखा, छोड़ दो ये हमें कोई काम का नहीं है, यहां पे हमें कैश दिख रहा है, क्रेडिट में है ना, लिखो इसके आगे में क्रेडिट। सर ये क्या कर, लिखो तो बदमाश, लिखो तो, क्यों पूछते हो बार बार, लिखो तो कम से कम। सोहन टू कैश, कैश क्रेडिट में है, लिखो यहां पे क्रेडिट। बैंक टू कैश, कैश क्रेडिट में है, लिखो यहां पे क्रेडिट, जहां पे है बस लिख दो। कैश टू सेल्स, कैश देखो डेबिट में है, लिख दो यहां पे डेबिट, डेबिट। यहां देखो आपका यहां पे श्याम टू सेल्स, कोई कैश का नाम नहीं, छोड़ दो। कैश टू श्याम, देखो यहां पे कैश डेबिट में है, लिख दो यहां पे डेबिट। बस बात खत्म हो गई, बन गया लेजर अकाउंट। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे लिख देने से लेजर बन गया, हमें तो कुछ दिखाया नहीं, हम भी एग्जाम में ऐसे करके आएंगे सर, ऐसे टी शर्ट बना लेंगे, यहां पे डेबिट क्रेडिट बोल देंगे लेजर बन गया। ना बच्चे ना, कॉन्सेप्ट बन गया। अरे लेजर तो यहां बनाऊंगा, अभी कुछ हमने लिखा कहां, कैसी कैसी बातें करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। लेजर बनना सिखाऊंगा लेकिन लेजर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैं ये बोलना चाहता हूं। आओ देखो कैसे। जरा बताओ आप दो सवाल ध्यान सुनोगे और ध्यान बिल्कुल यहां रहेगा, बिल्कुल यहां और कहीं पर नहीं। कौन से अकाउंट को बना रहे हो, कैश अकाउंट। ध्यान रखना, दुनिया का दस्तूर है मेरे बच्चे, आप इंडिया में रहो चाहे देश के या वर्ल्ड के किसी कोने में रहो, लेजर अकाउंट जब भी बनते हैं तो उस लेजर का ये हमेशा डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में सेम बातें यहां पे होंगी। आओ जरा अब मैं कुछ बताऊं। ये देखो पहली 1 तारीख की एंट्री कैश टू कैपिटल। मुझे बताओ कौन से अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट। मुझे बताओ इस एंट्री में कैश कहां दिख रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। इस एंट्री में बताओ कैश कहां दिख रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। सर डेबिट में। मेरे बच्चे अगर डेबिट में कैश अकाउंट दिख रहा है तो आपकी एंट्री जो है ना इसके डेबिट में आ जाएगी, एंट्री इसके डेबिट में। और पता मैं क्या करूंगा, डेट बताओ क्या है जी, 1st जनवरी, तो डेट कॉलम में लिखूंगा 1st जनवरी। लिखिए मेरे साथ डेट में 1st जनवरी, ठीक है ना। और ध्यान सुनो, ध्यान से, थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन आज सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुनो, हम जिसका अकाउंट बनाते हैं ना अगर वो डेबिट साइड में है
तो मेरे बच्चे पोस्टिंग फिर आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो नाम डेबिट में है तो उस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग आ जाएगा, यानी कि यहां पे कुछ आने वाला है। लेकिन यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला है, तो मेरे बच्चे जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका नाम नहीं आएगा। हम जिसका अकाउंट बनाते उसका नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाले का नाम आएगा, उसके अपोजिट वाले का। तो बताओ कैश के साथ हमने यहां पे क्या लिखा था, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा था, टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरे बच्चे आप इस पूरे टू कैपिटल अकाउंट को यहां लेकर आ जाओ, टू कैपिटल अकाउंट को आप यहां लेकर आ जाइए, टू कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट आपका है, 20 लाख। तो अमाउंट में आप यहां पे 20 लाख की एंट्री कर दो। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस दिमाग शांत रखो, दिमाग में इफ और मत आने दो। नहीं समझ में आया, अभी बहुत सारे मौके आएंगे समझने के लिए, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये तो बहुत टफ है तो फिर आपको जीने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप मुझे बुला लेना, मैं चुल्लू भर पानी आपको लेकर आऊंगा, दे दूंगा, आप उसमें डूब के मर जाना। अगर अभी स्टार्टिंग में ही आप कह दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्यों ना ऐसी गंदी गंदी बातें करूं मैं। अरे थोड़ा समय तो दो, अभी इतनी सारी एंट्रीज मुझे समझाना है, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने समझाया ही क्या, मैंने ये कहा कि जिसका अकाउंट बना रहे हो कैश अकाउंट, बस ढूंढो एंट्री में कैश कहां दिख रहा है, डेबिट में, यानी कि एंट्री आपका डेबिट साइड में आएगा। नाम क्या लिख रहा, तो जिसका अकाउंट बनाते हो उसका नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट में जो लिखा हुआ है उसका नाम आएगा। तो कैश, हमने देखो कैसे बोला, कैश डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में चला गया। नाम किसका लिखूंगा जी, टू कैपिटल अकाउंट, तो लिखा हमने क्या, टू कैपिटल अकाउंट। हो गई बात, कौन सी बड़ी बात है, बात हो गई। और जरा और समझाता हूं, और समझाता हूं, यहां देखो, यहां देखो, आपने मशीन परचेज किया था मेरे बच्चे, पहले बताओ अकाउंट किसका बन रहा है, सर कैश का। अकाउंट किसका बन रहा है, कैश का। मुझे बताओ इस एंट्री में 5 तारीख वाली एंट्री में कैश कहां दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिट। तो मेरे बच्चे पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आप एक काम करना, समझने के लिए जब ये समझ गए कि पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगा, मैंने हाथ यहां रख दिया, तो आप जिसका अकाउंट बना रहे हो ना उस नाम को हटा दो, दिमाग से काटना नहीं, दिमाग से हटाना। जरा बताओ अब इस एंट्री में और कौन सा नाम बच गया, सर मशीन। तो मेरे बच्चे मशीन जो आपका है ना, मशीन जो है ना, ये देखो आपका जो अकाउंट बन रहा है क्रेडिट साइड है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा। और आप क्या करना, इसके अपोजिट वाला नाम हमेशा अपोजिट वाला आएगा, मशीन। तो आप क्या करना, कितना तारीख है जी, एक तो 5 जनवरी, कुछ लिखूंगा, लिख दो यहां पे मशीन, आपका पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। और कितने का जी आपका, 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख का अमाउंट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, हमने कुछ नहीं लगाया बच्चे, हमने बोला कि भैया जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगा। नाम अपोजिट वाले का क्या था, मशीन अकाउंट, तो हमने क्या किया, मशीन अकाउंट लिख दिया। कितना, 3 लाख का अमाउंट। सर ये DR नहीं आएगा, ना 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 वो नहीं बच्चे, नाम अकाउंट तक, अकाउंट तक। अगला और समझ में आएगा, ये देखो आप 7 तारीख को, मुझे बताओ आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो, कैश का। मुझे बताइए इसमें कैश कहां दिख रहा है, क्रेडिट में। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा। नाम किसका आएगा, इसका नहीं, अपोजिट वाला, तो इसके अपोजिट में क्या है, फर्नीचर। कितना, 2.5 लाख। मेरे बच्चे क्योंकि कैश क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा, नाम आएगा अपोजिट वाला, तो अमाउंट कितना है, 2,50,000। देख रहे हो आप यहां पे अमाउंट कितना दिख रहा है, 250। और आपने क्या कह दिया, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आपका, ठीक है ना। जरा बताओ ये डेट क्या है, थोड़ा सा गैप छोड़ना, देखो मैं सब में यहां पे गैप छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं रीजन आगे बताऊंगा। आप देख दो यहां पे 7 जनवरी, 7 तारीख की बातें हो गई, 7 तारीख की बातें हो गई, हमने क्या किया जी यहां पे काम पूरा किया 7 तारीख का। फिर आगे बढ़ता हूं 10 तारीख की बातें आ गई, 10 तारीख। आप बताओ इस एंट्री में कैश कहां दिख रहा है, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहां जाएगा, क्रेडिट फंड में। यह बात ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट तो डेबिट साइड में होगा, नाम हमेशा अपोजिट वाले का। तो कैश में हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट। ये लीजिए हमने लिखा यहां पे परचेजेज अकाउंट, बताओ ये अमाउंट कितना है, 1,20,000 का अमाउंट। और ये डेट क्या था बच्चे आपका, 10th जनवरी, तो हम लिख दिया 10th जनवरी को आपका, 10th जनवरी। सुनो मेरी बात, सर हाँ आगे बढ़ना।
ये देखो इसमें तो कैश है नहीं, छोड़ दो, हम कैश की सी बातें कर रहे हैं, कैश वाली बातों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं बस। अब देखो यहां पे 20 जनवरी को सोहन टू कैश, बताओ कैश कहां दिख रहा है? क्रेडिट में। कैश कहां दिख रहा है? क्रेडिट में। तो बच्चे कैश क्योंकि क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहां चला गया? क्रेडिट साइड में, यहां तो कोई डाउट ना। नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट वाले का, तो सोहन अकाउंट लिखो यहां पे, सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। और जरा बताओ अमाउंट कितना है जी? 25,000। एंट्री 20 जनवरी का है, लिख दो यहां पे 20 जनवरी की हमने एंट्री पास की, ये भी काम खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ता हूं, 24 जनवरी, सोहन टू कैश, सोहन टू कैश। मेरे बच्चे कैश में क्या बोलेंगे? कैश क्रेडिट में है ना सर? हाँ, तो पोस्टिंग कहां चला गया? क्रेडिट साइड में, सोहन अकाउंट। इस पर अमाउंट कितना है? 30,000। और ये एंट्री कब की है? ये एंट्री 24th की, 24 जनवरी। बात समझ आ रही है सर? हाँ सर, ये दोनों सोहन सोहन, तो यहां भी सोहन यहां भी सोहन, इकट्ठा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जिस दिन पे ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट अलग है मेरे बच्चे। आप देखो ये एंट्री 20 तारीख की है और ये 24 तारीख की है, तो दोनों अलग अलग एंट्री होगा। जितनी बार एंट्री यहां पास किया गया उतनी बार यहां पोस्टिंग किया जाएगा। आई बात समझ में सर? ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप दिल पे जोर ना लेना बच्चे, ये कुछ भी नहीं है। मैं अगली क्लास तक आपको प्रूफ कर दूंगा कि आपसे बड़ा दौड़ लगाने वाला लेजर अकाउंट में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वो बकवास तरीका बता रहा हूं जो कि हर एक बच्चा फॉलो करता है। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है, जिस ट्रिक को अगर समझा दूं तो लेजर का कॉन्सेप्ट 2 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर ट्रिक पे भी आएंगे। आपको मजा आएगा, विश्वास लो, विश्वास लो मेरे ऊपर में, आपको मजा आएगा। अभी जितना बोल रहा हूं उतना ही समझो बस, और ज्यादा कुछ नहीं। और आगे बढ़ते हैं, अगर परेशानी हुई तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर एक बार रिवाइज कर लो मैंने क्या बताया, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेजर कुछ भी नहीं है, आगे पढ़ो। 24 तारीख के बाद 25 तारीख नजरिया। अब देखो बैंक टू कैश, बताओ कैश कहां दिख रहा है? क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। नाम कौन सा लिखोगे? अपोजिट वाला, तो अपोजिट में क्या दिख रहा है? बैंक अकाउंट। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा बैंक अकाउंट। और ध्यान रखना मैं सब में यहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूं, क्यों मैं बताऊंगा, आप भी छोड़ना, आप भी गैप छोड़ना। यहां पे बैंक अकाउंट, 25 तारीख की एंट्री है, 25 जनवरी आपका। जरा बताओ कितना अमाउंट दिख रहा है? 3 लाख का अमाउंट, तो आप 3 लाख से एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ना, यहां देखो, यहां देखो, अब 28 तारीख। अरे एक मिनट, आप बताओ 28 तारीख वाली एंट्री में कैश आपका डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? सर डेबिट हुआ, देख रहे हो डेबिट लिखा हमने कैश के आगे। अगर डेबिट तो पोस्टिंग डेबिट साइड चला गया। 28 जनवरी की एंट्री है, लिखो यहां पे 28 जनवरी की एंट्री। और चलो बताओ 28 को क्या हुआ जी? कैश टू सेल्स, तो कैश में क्या बोलेंगे बच्चों? टू सेल्स अकाउंट। क्या बोलेंगे हम? टू सेल्स अकाउंट, है ना। देख रहे हो आप जब कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट जो बना रहे हो वो कैश अकाउंट आपका है जी डेबिट में है, तो हम पोस्टिंग डेबिट साइड करेंगे। नाम कौन सा आएगा जो नीचे में लिखा हुआ पूरा ऐसे ही उठ के आ जाएगा, यानी कि टू सेल्स अकाउंट 950, तो हमने लिखा 950,000 का अमाउंट, ठीक है ना सर। हाँ अच्छा, 28 के बाद 30 तारीख। अब देखो 30th की एंट्री में कहीं कैश दिख रहा है क्या? बताओ 30 तारीख की एंट्री में कैश दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, कैश नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, ये कैश अकाउंट में नहीं आएगा। हमने कहा ना उनको ढूंढ रहा हूं जो ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मतलब एक नेचर वाले, तो वो मैं काम कर रहा हूं जी। अब देखो 30 को छोड़ो, 31st कैश टू श्याम, कैश देखो डेबिट में है, कैश डेबिट में, पोस्टिंग चला गया डेबिट साइड में। और नाम कौन सा आएगा? अपोजिट वाला, यानी कि टू श्याम अकाउंट। तो आपने 31 जनवरी को आपने कहा टू, क्या नाम था जी उसका? श्याम, टू श्याम अकाउंट। बताओ ये एंट्री कितने से है? 2,80,000, 280। थैंक गॉड, हमारे अकाउंटेंट को, यानी कि आपको एक समझदारी आई कि जितनी सारी एंट्रीज पास की गई हैं अकाउंटिंग में, उनमें से कैश के नेचर की जितनी सारी बातें हैं, कैश वाली जितनी सारी बातें हैं, उन बातों को एक जगह पे आप इकट्ठा कर लो।
हमने कैश की सारी बातें इकट्ठा कर ली मेरे बच्चे। रूल क्या बताया कि एंट्री में अगर कैश आपका डेबिट में है तो पोस्टिंग आपका डेबिट साइड में जाएगा, और आपने नाम क्या लिखना अपोजिट वाले का, जैसे यहां था कैश टू कैपिटल, तो कैश में क्या लिखा टू कैपिटल, देख रहे हो आप, टू कैपिटल आपका चला गया और इसी तरीके से एंट्री खत्म किया। अब मेरी बात सुनना, आज मैं आपको कई सारी बातें बताने वाला हूं, अच्छी अच्छी बातें, जरा सुनना। देखो इधर में जितने सारे नाम है वहां पे हमने क्या लगाया, टू टू टू, अच्छा लग रहा था, तो यहाँ टू कैपिटल टू सेल्स टू श्रम ठीक लगा। यहाँ पे हमने कह दिया मशीन फर्नीचर, ये हमने कुछ यहाँ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है कि हमने इनको सपोर्ट दिया टू लिखकर और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो ये एक तरीके से मुझे पता नहीं गंदा लग रहा है कि यहाँ लिखा यहाँ कुछ नहीं लिखा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, उस कलाकारी में सब कुछ ठीक से लिखना, ठीक से समझाना हमारी जिम्मेदारी होती है मेरे बच्चे। तो इसी प्रोसेस में हमें कहा गया है कि अगर आपने डेबिट वाली एंट्री में टू 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 लिखा तो लेजर अकाउंट में, जनरल में नहीं, लेजर अकाउंट में जो क्रेडिट साइड एंट्री आएगा ना, जो क्रेडिट साइड एंट्री आएगा उन सारे नाम के साथ यहां पे लगा देना बाय। क्या लगा देना? बाय। सर ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं बच्चे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है और कलाकारी तब होती है जब प्रॉपर तरीके से सारे प्रेजेंट किए जाए। तो इसी प्रोसेस में जो हमारे पूर्वज थे मेरे बच्चे, जिन्होंने अकाउंट हमें सिखाया, उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम करना, डेबिट वाले में टू लिखते हो तो क्रेडिट वाले में बाय लिख देना। ये हमें पूर्वजों ने सिखाया है, पूर्वजों ने मेरे बच्चे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे रीजन नहीं है, बस आपको बोल दिया गया तो हमने यहां पर लिख दिया। एक बात और बता दो, आज के जो अकाउंटेंट है ना, नए जमाने के लोग, मैं हो गया, मैं भी आप ही के जमाने का हूं, आप बुढ़ा ना समझ लेना मुझे। अब जो मॉडर्न अकाउंटेंट है ना, आज के जमाने के जो अकाउंटेंट हैं, वो लेजर अकाउंट में ये टू बाय लिखना पसंद नहीं करते, वो बोलते भैया मैंने नहीं लिखना। पता वो क्या करते हैं, कैश में बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, यहाँ बोलते हैं मशीन फर्नीचर, मतलब बाय और टू लिखना उन्होंने छोड़ दिया है। अगर आप भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अभी अकाउंट सीख रहे हैं आप, प्यारे प्यारे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी आप लिखना, अकाउंटिंग रियल अकाउंटिंग में आगे सिखाऊंगा, अभी तो हम सीख रहे हैं। तो डेबिट में जितनी एंट्रीज आएंगी उनके नाम के साथ टू, और जो क्रेडिट में आएंगे उनके नाम के साथ बाय लगा देना, कोई पाप नहीं होगा, ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ। तो अब ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां तक हो गया सबका? सर हाँ सर, यहां तक हो गया। अब एक बात ध्यान से देखो, शायद अब आपको बात समझ में आएगी। यहां देखो जरा, पता है इस कैश अकाउंट में डेबिट में जितनी सारी बातें हुई, ये सारी बातें देखो, ये आपको मैं लिख रहा हूं, आपने लिखना, मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये सारी बातें जो है ना वो इंक्रीज करने की हुई है। इंक्रीज, कैश आपका 20 लाख रुपए से बिजनेस में बढ़ गया, हमने सेल किया कैश पे तो 9.5 लाख रुपए और आ गए, हमने श्याम से 2,80,000 रुपए रिसीव किए, मेरे बच्चे इतने सारे कैश हमारे पास आए हैं, ये सारे कैश जनवरी में हमारे पास आए हैं, और ये सारे कैश हमारे पास से गए हैं। मशीन परचेज किया 3 लाख चला गया, फर्नीचर परचेज किया 2.5 लाख चला गया, गुड्स परचेज किया 1,20,000 रुपये चला गया, सोहन को 25 पे किया, सोहन को 30 पे किया, बैंक में हमने इतना जमा कर दिया। तो एक्चुअली कैश का इंक्रीज होना और कैश का ये हो गया हमारा डिक्रीज हो जाना, ये बातें हमने रिकॉर्ड की है। मतलब एक महीने में कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया, वो बातें रिकॉर्ड हो गई। आओ ना जरा देखते हैं कि महीने के एंड में, जनवरी के एंड में हमारे पास कैश जो है ना वो पॉकेट में कितना पड़ा हुआ है। पता नहीं मेरा कैश था यहाँ पे कहाँ चला गया, मैं लाता हूँ मेरे बच्चे, मैंने कैश रखा हुआ अपना यहाँ पे, वो कैश जो मैंने आपके लिए रखा था ये रहा मेरा, सारा कैश यहीं पड़ा हुआ है, ये देख लो आप मेरे कैश, इतने सारे कैश हैं, ये कैश है। आप देखो हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैपिटल के नाम पे बिजनेस में कैश आ गया, ये देखो कैश आ गया मेरे पास, सेल किया और कैश आ गया जी, गुड्स बेचा था और देखो कैश मेरे पास आ गया, इतना आ गया, श्याम से भी पैसे आए हैं, ये देखो और पैसे हमारे पास आ गए, इतने सारे पैसे आ गए। अब इसमें से क्या हुआ, हमने मशीन परचेज किया, लो 3 लाख रुपए चले गए,
हमने फर्नीचर परचेज किया, ये लो हमारे पास से ये भी चला गया 2.5 लाख रुपए। परचेज किया, लो 1,20,000 रुपए और चले गए। हमने सोहन को पे किया, लो ये भी पैसा चला गया हमारे पास से। फिर सोहन को पे किया, लो ये भी पैसा चला गया हमारे पास से। हमने बैंक में 3 लाख रुपए जमा कर दिया, ये भी लो पैसा चला गया हमारे पास से। इतना पैसा बचा हुआ है, ये देखो इतना पैसा अभी भी बचा हुआ मेरे बच्चे। ये पैसा कितना है, ये पैसा कितना है, हमें उस अमाउंट को जानना है। तो कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जितने सारे पैसे आए उनको ऐड कर दो, जो चला गया माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना है। आओ दिखाता हूं, ये देखो आप जरा बताओ टोटल कैश मेरे पास कितना आया। यहां क्लोज कीजिए बिल्कुल लास्ट में, ऐसे जरा बताओ कितना आ गया। ये हो गया 32,30,000, है ना बच्चे, 29,31,32,30, ठीक है, इतने कैश आए। ये देखो जितना कैश आया ना, नजर यहां 32,30, मैं इस साइड भी लिख देता हूं यहां पे 32,30,000। और एक खास बात देख रहे हो, मैं अमाउंट लिखने के बाद इसको डबल लाइन से क्लोज कर रहा हूं, डबल लाइन क्लोज करने का मतलब कि अकाउंट यहीं पे आके एंड हो जाएगा, इसके आगे हम इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि डबल लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज कर देना, इसके आगे नहीं जाना। तो सुनो, खैर मुद्दा, 32,30,000 रुपए हमारे पास आए थे। मैं लिख दूं यहां पे, देखो मेरा कैलकुलेटर है तो 32,30,000 पूरे जनवरी के महीने में मेरे पास आए। पर बच्चे सारे पैसे जो आए थे ना वो कितना था जी, 32,30,000 रुपए। जरा बताओ इसमें से कितना चला गया, 3 लाख चला गया, माइनस करो, देखो मैंने 3 लाख इसमें से माइनस कर दिया। और कितना चला गया, 250 फर्नीचर परचेज किया था ना उसका भी पेमेंट किया, माइनस करो। फिर आपका 120 और चला गया, वो भी माइनस करो। फिर आपका 25,000 सोहन को पे किया, वो भी माइनस करो। फिर आपने सोहन को 30 पे किया, वो भी माइनस कर दो। और फिर आपका यहाँ पे 3 लाख बैंक में जमा कर दिया, वो भी माइनस करो। इससे भी तो कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा बट कैश तो कम होगा। बच्चे अभी भी देखो 22,05,000 रुपए, 22,05,000 मेरे पास पड़े हुए हैं। आप चेक कर सकते हो, आई हैव रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 22,05,000। मेरे पास ये जो कैश यहां पड़ा हुआ है ना, ये 22,05,000 रुपए है। पता मैं क्या करूंगा, ये जो बच गया ना महीने के एंड में, ये 31 जनवरी जो इस महीने का एंड है, मैं कितना था जी, कितना था बोल गया, 22,05,000 मेरे बच्चे, मैं यहां पे 22,05,000 यहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना, 22,05,000। सुनो मैंने क्या किया, जितने कैश आए उनको ऐड कर दिया, जो जो इंक्रीज हुआ ऐड कर दिया, इसमें से जहां जहां कैश डिक्रीज हुआ उसको माइनस किया, बच गया इतना पे। मेरे बच्चे इसको, क्योंकि इधर का कोई भी नाम आएगा तो बाई लगाएंगे आप, बाई, और इसको कहेंगे बैलेंस। ये हमारा क्या है, बैलेंस आपका है, ये बचा हुआ बैलेंस है। और पता है बचा हुआ बैलेंस, बाय बैलेंस, और यहां क्या लिखूंगा, सी डी कौन सा, वो मूवी वाला है क्या, नहीं बच्चे नहीं, इस सी डी का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन कर दो आप, इसका मतलब होता है कैरी डाउन, CARRY, कैरी डाउन। सर कैरी डाउन का मतलब कैरी किया, इतना बैलेंस हमने अभी कैरी किया हुआ है। तो कैरी मतलब हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, कैरी समझते हो ना, कैरी मतलब क्या, इंग्लिश वर्ड है, हमारे हाथ में पड़ा हुआ है। तो डाउन द डेट आपका मतलब इस दिन पे हमारे पास इतना है, इतना पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कैरी डाउन। CD शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CD, पूरे अकाउंटेंसी में हम क्या लिखेंगे, CD ही लिखेंगे, क्योंकि CD रिप्रेजेंट्स कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब कि बैलेंस जो हम कैरी कर रहे हैं, ये देखो अभी हम इतना कैरी कर रहे हैं, इतना मेरे हाथ में कैरी किया हुआ है, इतना रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैरी डाउन। खत्म होगी बात, अब आने दो आपके कंपनी के मैनेजमेंट के किसी भी आदमी को, चाहे मालिक को, पूछ दे आपसे कि बताओ आज आपके पास कैश कितना है। तो बच्चे हमें एंट्री नहीं देखना, हमें क्या करना कि फटाफट इनको देख के बता देना, भैया कैश मेरे पास इतना है, 22,05,000 का, हो गई बात। लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग, मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आपका यहां पर कहता है कि क्लासिफाइंग। मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्लासिफाई करने का मतलब कि एक नाम के जितने सारे ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका, ये हमारा कैश अकाउंट हो गया।
आई बात समझ में सर? आई लेकिन सर पूरी बात समझ में नहीं आई सर, थोड़ा सा और बताओ ना। और भी कोई सर एक ही लेजर बनता है क्या? ना बच्चे ना, एक ही नहीं, जितने नाम आप देख रहे हो, जितने नाम, वो सबके लेजर अकाउंट खुलते हैं, सबके लेजर अकाउंट खुलते हैं, सबके लेजर अकाउंट खुलते हैं, तो सबके लेजर अकाउंट खोलने होंगे। और आप चिंता नहीं करना, जब तक जब आपका समय, अभी अभी अकाउंट्स इतना एडवांस हो चुका है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ये सब आपको नहीं करना होता है। आप सिर्फ बस एक एंट्री पास कर दो, वो अपने आप क्या करेगा, लेजर बना के पूरा कंप्लीट कर देगा। लेकिन क्योंकि अब आप सीख रहे हो अकाउंटिंग, तो सारी बातें सीखनी होंगी, हर एक लेजर को बनाना सीखना होगा। तो मैंने क्या किया, आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया। अब बताओ और कौन सा बना के दिखा दूं सर, आप बताओ। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको मशीन अकाउंट दिखा देता हूं। मशीन अकाउंट कोई भी बना सकता हूं, और सारे बनाने ही हैं। लेकिन हाँ, जब मशीन अकाउंट बनाने की बात उठेगी, तो मैं अब ये वाला हटा दूंगा। ये तो जो ब्लू सलीखा था ना, ये तो आपके मन में ये रखना है जी। अब देखो थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ेगा, मैं पहले इसको हटा दूं। अब मैं जिस अकाउंट की बात कर रहा हूं उसके बारे में, तो आओ जरा हम बनाते हैं यहां पे मशीन अकाउंट। तो आप लिखिए मेरे साथ यहां पे अगला अकाउंट मशीन। सर ये बहुत बोरिंग है सर, बहुत बोरिंग है, न मत कहो ऐसा। अकाउंट्स को बोरिंग कह दिया ना तो मेरे बच्चे मेरी जान चली जाएगी, सच्ची बता रहा हूं। आप बिलीव करो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप देखो फिर से जितने भी अकाउंट बनेंगे, जितने भी लेजर अकाउंट, सबका आपका जाएगा टी शेप के अंदर में, और छोटा सा बनाना। क्योंकि मशीन की मुझे सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही है, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा। लेकिन हाँ, तीन कॉलम, एक आपका यहां, एक बड़ा सा, और फिर आपका यहां पर, ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये फॉलो करना है। कुछ चीजें इसमें ऐड होंगी, एक और कॉलम आएगा, बट बात की बात है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम उसको समझ लेंगे। यहां भी तीन कॉलम सर, वो भी अभी समझा दो ना, फिर नहीं समझ में आएगा आपको ना, परेशान हो जाओगे। अब लिखो तो यहां पे, ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ये हमारा आपका पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, और मेरे बच्चे ये हमारा हो गया अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम। आइए अब मैं मशीन की बात करूं, मशीन के बारे में आपको समझाऊं, मशीन के बारे में। ये देखो आप जरा बताओ, कौन से अकाउंट को बना रहे हो, मशीन। इसका भी मेरे बच्चे, हर एक लेजर अकाउंट का इस साइड को हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। एक ट्रिक है जो आगे बताऊंगा, इसी पर टिका हुआ, बाद में बताऊंगा, पहले मशीन अकाउंट आपका। अब मुझे जल्दी से बताओ, ब्लू से लिख रहा हूं, ब्लू से, कि आप देखो मशीन वाली एंट्री कहां दिख रहा है, 5 तारीख को। मुझे बताओ 5 तारीख में मशीन डेबिट में है कि क्रेडिट में है, सर डेबिट में है। लिख दो यहां पे डेबिट। यहां लिखने का मतलब क्या, ये हम कहां लिख रहे हैं, मन में, ये मन में चल रहा है मेरे, मेरी आत्मा कह रही है कि मशीन अकाउंट डेबिट में है। अगर आपकी आत्मा ने मशीन अकाउंट डेबिट में कहा, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में आपकी एंट्री होगी, डेबिट में। डेट बताओ क्या है, 5 तारीख, तो लिखो 5 जनवरी, 5 जनवरी। और सुनो जरा, मशीन अकाउंट बना रहा हूं, बताओ इसके अपोजिट में कौन सा नाम लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट। तो आप यहां क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बताओ अमाउंट कितना है, अमाउंट 3 लाख, तो आप एंट्री करेंगे 3 लाख से, ये 3 लाख से आपकी एंट्री होगी, 3 लाख, है ना। यानी कि मेरे बच्चे मशीन जो है ना, नजर यहां, नजर यहां, मशीन जरा बताओ, मशीन के डेबिट में आने का मतलब क्या, इंक्रीज करना, है ना, पता है आपको ना। यहां भी वही काम होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता था ना, सब जगह सेम रूल है। ये जनरल एंट्री में भी, लेजर में भी, आगे जो पढ़ाऊंगा सब जगह यही चलेगा मेरे बच्चे। मशीन का बढ़ना डेबिट होता था, उसी तरीके से देखो मशीन लेजर में भी अगर डेबिट हो रहा, तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है। और आप देख भी रहे हो कि मशीन 3 लाख का हमने परचेज किया है, ठीक है। मुझे बताओ और कहीं पर मशीन दिख रहा है क्या, नहीं सर, बस खत्म होगी बात। अगर हमने 3 लाख का मशीन परचेज किया और फिर कुछ नहीं हुआ, तो जरा बताओ आपका यहाँ पे ये टोटल इधर कितना हो गया, जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया, क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं करना हमने, 3 लाख रुपए का अमाउंट, ये 3 लाख का अमाउंट हो गया। तो मेरे बच्चे इस साइड में आपका 3 लाख का जो था, आप ध्यान देना कुछ यहाँ कमी नहीं हुआ। तो 31 जनवरी को, क्योंकि अभी अकाउंटिंग 1 महीने का सिखा रहा हूं बच्चे, मशीन हमारे पास एंड में कितने का दिखेगा, 3 लाख का। समझ रहे हो मैंने कैसे निकाला, ये देखो कैसे निकाला, 3 लाख यहां, हमने 3 लाख यहां लिख दिया।
इस 3 लाख में यहां कोई एंट्री दिख रहा है? नहीं, तो बैलेंस कितना गया? 3 लाख। जो बैलेंस आएगा, बैलेंस का मतलब इनको ऐड करना, इसमें से इनको माइनस करना, फिर जो आएगा वही यहां लिखा जाएगा। दोनों साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इधर में से इनको माइनस करके बैलेंस जब लिख दिया तो दोनों साइड आपका टैली कर जाएगा। उसी तरीके से यहां 3 लाख की एंट्री है, हमने यहां कुछ भी नहीं देखा तो 3 लाख आ गया। और जरा बताओ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। इधर में नाम के साथ क्या लगाते हैं? बाय, हम बाय बैलेंस। और क्या बोलेंगे शॉर्ट में? सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब क्या जी? हमने इतना उसको कैरी किया है, मतलब अभी भी महीने के एंड में मशीन हमारे पास 3 लाख का पड़ा हुआ है। कैरी डाउन बच्चे मतलब एंड में हमारे पास कितने का है। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है जी? कैरी डाउन का मतलब, इसका मतलब होता है बैलेंसेज, इसका जो बैलेंस आपका है एट द एंड। लिख दो यहां पे, ये सब बातें आपको लिखने के लिए है, एग्जाम में नहीं लिखना। बैलेंस हमारा एंड में कितना है, ये भी हमारा क्या है जी? बैलेंस एट द एंड, बैलेंस एट द एंड। अगर हम सिर्फ जनवरी का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जनवरी के एंड में कितना है, फरवरी का तो फरवरी के एंड में कितना है, एक वर्ष का तो एक वर्ष के एंड में कितना है। एंड में हम क्या लगाते हैं? सीडी, सीडी फॉर कैरी डाउन आपका, ठीक है ना। तो ये हमने काम पूरा किया। अच्छा बताओ, ये टू और बाय ना लिखो तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर, अभी आपने बताया कि हमारे जैसे जो नौजवान जो अकाउंटेंट हैं वो टू और बाय लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो सिंपली कैश लिख दिया और सीडी बैलेंस सीट लिख दिया तो भी चल जाएगा। लेकिन अभी हम सीखेंगे तो टू बाय की एंट्री यहां पे लिखेंगे। आप प्लीज कॉपी करें। हो गया यहां तक आपका? लिख लिया बच्चों? सर हाँ सर, ये तो हो गया सर। आगे बताओ, और भी कोई लेजर? बहुत सारे लेजर, मैं अभी इसको मिटाऊंगा, मैं अभी कई सारे बताऊंगा। और आप करो ना मेरे साथ, आपको प्रैक्टिस ही तो होगा, आपको प्रैक्टिस ही होगा मेरे बच्चे। ये जितने लेजर बनाए हैं उतना बनाएंगे, हमें प्रैक्टिस होगा और फिर हम इसका एक अच्छा सा ट्रिक भी सीख लेंगे दुनिया से बहुत आगे निकलने के लिए, बहुत आगे। जब बच्चा सोचते रहेगा कि यार डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, उस समय तक आपका लेजर अकाउंट बन के कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ा सा सुनो मेरी बात, मेरी सुनो मेरी बात। अब बताओ कौन सा अकाउंट बनाओ? चलो हम फर्नीचर अकाउंट भी बना लेते हैं, जितने मन उतने बनाओ ना। लिखो फिर यहां पे फर्नीचर अकाउंट। अभी सीख रहे हैं, सारे बनाएंगे आप मेरे साथ, ये नहीं कि हाँ सर हमें तो आ गया अब हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट फिर उसी तरीके से एक ही एंट्री इसके अंदर है। तो बच्चे आपका 3 यहां पे, इधर भी आपका 3 कॉलम, टी शेप इसको बोलते हैं, टी शेप में। तो आपका ये डेट कॉलम हो गया, छोटा सा ही बनाएंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया, यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट कॉलम, ठीक है ना। आओ देखते हैं, अब हम क्या करेंगे जी? हम किसके बारे में सोचेंगे? फर्नीचर के बारे में। आप ढूंढो फर्नीचर कहाँ दिख रहा है, फर्नीचर कहाँ दिख रहा है? सर फर्नीचर देखा 7 तारीख वाली एंट्री में। आप बताओ फर्नीचर डेबिट में है कि क्रेडिट में है? सर डेबिट में। लिख दो यहां पे डेबिट, ये डेबिट है बच्चे। और ये बातें हम कहां सोच रहे हैं? मन में, ये मन में चल रहा है कि डेबिट में है। अगर जिसका अकाउंट बना रहे हो वो डेबिट में है तो पोस्टिंग कहां जाएगा? डेबिट साइड में। लिख दो ये हमारा डेबिट साइड है, ये लिखना अभी आप। और इसको बोलते हैं किसी भी अकाउंट में यही काम है, ये आपका ये काम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डेबिट क्रेडिट। अब सुनो 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 मेरी बात, आप कह रहे हो फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर डेबिट में यानी कि पोस्टिंग डेबिट साइड आ जाएगा। मुझे बताओ फर्नीचर अकाउंट में कौन सा नाम लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट। हमेशा नाम उस अकाउंट में अपोजिट वाला जाएगा। जिसका अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम हम नहीं लिखते, हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। पर बच्चे हम लोग क्या करते हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं। तो इस बार फर्नीचर अकाउंट है तो हम क्या बोलेंगे? टू कैश अकाउंट। लिखो 7 जनवरी को यहां पे आपने बोला टू कैश अकाउंट, आपने प्रॉमिस किया है। अभी कुछ नहीं सोचेंगे, किसी भी बात को किसी से लिंक नहीं करेंगे, बस जितना बता रहा हूं उतना करेंगे। आप सिर्फ ध्यान रखना फर्नीचर का अकाउंट बन रहा है बच्चे, फर्नीचर एसेट्स है, इसका भी इंक्रीज होना डेबिट होता है। तो देखो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, आपका कितने का है जी फर्नीचर आपका? 250, तो 2.5 लाख रुपए आपका, 2.5 लाख। कोई और एंट्री दिख रहा है? नहीं सर, पूरे क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं है। तो अब आप इसको क्लोज करो, बताओ ये टोटल कितना आ गया? 2.5 लाख का टोटल कितना हो जाएगा?
250,000. कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो आप, आपको कितना आसानी से पता चल गया कि 250 का टोटल 250 आपका होगा. गुड, यही 250 आप यहां लिखो इस साइड भी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए लेजर का आपका. 250 डबल एन से क्लोज कर देना. और जरा बताओ 250 में कुछ भी माइनस नहीं किया तो एंड में कितना बच गया, 250. कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो आप, कितना फास्ट. लिखो ना यहां पे, ये हो गया आपका, इधर में जो भी नाम आएगा बाय जोड़ेंगे तो बाय बैलेंस सीडी. सीडी का मतलब क्या होता है, कैरी डाउन, मतलब एंड में बैलेंस. और ये आपका एंड यानी कि 31 जनवरी की बात उठ रही है. सीडी मतलब कैरी डाउन आपका, है ना. 250 में कुछ भी नहीं तो ये मतलब फर्नीचर हमारे पास एंड में कितने का पड़ा हुआ है जी, 2.5 लाख रुपए का. लेजर अकाउंट, सुनो अकाउंट के नाम के आगे क्यों लगता है, क्यों हम अकाउंट यूज करते हैं सब जगह, एंट्री में भी अकाउंट, यहां में भी, क्योंकि मेरे बच्चे हर एक नाम का एक अलग अकाउंट बनता है, हर एक नाम का एक अलग अकाउंट बनता है. कैश का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, श्याम का, सेल्स का, सबका अकाउंट बनता है. इसलिए मैंने कहा था कि जब आप जनरल एंट्री पास करते हो तो हर एक नाम के आगे में अकाउंट जोड़ना. जैसे पता आपके बैंक में आपके पापा जब जहां पैसा जमा करते हैं उनमें हर एक का एक अकाउंट है, पापा का भी अकाउंट है, पड़ोसी वाले अंकल का भी है, पड़ोसी वाले आंटी का भी है, आपकी मम्मा का भी है, आपका भी है. तो हर एक के नाम से एक अकाउंट होता है ना. बैंक वाला क्या करता है, उस अकाउंट में सिर्फ उनके उनकी बातें रिकॉर्ड करता है, उनसे कितना पैसा आया, कितना पैसा निकला. तो अकाउंट का मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहां पे एक नेचर के चीजें रिकॉर्ड की जा रही है और कुछ भी नहीं. समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं सर? हाँ सर, हाँ ये तो बात समझ में आ गई. और भी बनाओ ना सर, और भी, लेकिन सर प्लीज ऐसा अकाउंट बनाओ ना जिसमें 2-3 एंट्री निकल के आए, 2-3 एंट्री आपका. चलो ठीक है मैं बताता हूं आपको. पहले मैं इसको मिटा दूं सर? हाँ सर, ये कर लो आप, मिटा दो. और बताओ सर, इसको भी मिटा दो ना, रहन दो ना, क्या जाता है, मुझे इतने जगह की रिक्वायरमेंट है तो क्यों मिटाऊं मैं, उसको मिटाने से क्या फायदा. आओ जरा अगला बताता हूं मैं, परचेज अकाउंट. ये लीजिए आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये लिखो आप मेरे साथ. अगला अकाउंट कौन सा जी, परचेजेज अकाउंट. मतलब परचेजेज के सारी बातें हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, परचेज से जुड़े हुए मेरे बच्चे सारी बातें यहाँ पे इकट्ठा करेंगे. बिल्कुल उसी तरीके से टी शेप बनाएंगे, 3-4 एंट्री है तो थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे. ये हमारा टी शेप में चला गया आपका, ये हमारा डेट कॉलम हो गया, इसको हम डेट कॉलम कह देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स कॉलम हो जाएगा, और ये हमारा अमाउंट कॉलम आपका हो जाएगा, अमाउंट कॉलम. इधर भी आपने क्या करना है, 3 कॉलम रेडी कीजिए आप यहाँ पे, 3 कॉलम. एक आपका डेट कॉलम हो जाएगा, एक आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, पर्टिकुलर्स कॉलम आपका, और एक आपका यहाँ पे अमाउंट कॉलम हो जाएगा, अमाउंट कॉलम. तो एक्चुअली अब हम परचेज, और हाँ आप जानते हैं कि इस साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पर बच्चे ये दुनिया का दस्तूर है, ये इस जन्म में भी होगा, अगले जन्म में भी होगा, पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक ये होगा कि लेजर अकाउंट जो बनता है उस लेजर अकाउंट का इस साइड को डेबिट, इस साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे. ये हमेशा होगा, हमेशा कोई भी अकाउंट हो. और याद रखना कि परचेज अकाउंट को बनाते समय सिर्फ परचेज की बातें सुनना, कि परचेजेज जो हैं गुड्स जो परचेज आपके हुए हम उनका अकाउंट यहाँ मेंटेन कर रहे हैं. परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस कितना होगा परचेज के नाम का, वो आओ ना हम देखते हैं कैसे बनेगा. तो मैं अब इसको हटाता हूं और मैं परचेज ढूंढता हूं. ये देखो 10 तारीख को परचेज देखा, एक एंट्री हमारा यहां. 14 को परचेज देखा, एंट्री देखा, और कहीं परचेज है नहीं. सर मुझे बताओ परचेज यहाँ डेबिट में है कि क्रेडिट में है? सिर्फ डेबिट में है, लिख दो यहाँ पे डेबिट. और ये कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, मन में. ये मेरी आत्मा कह रही है मेरे बच्चे, जहां पे आत्मा ने कह दिया कि जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट में है तो पोस्टिंग आपका डेबिट साइड में चला जाएगा. अगर हमारी आत्मा कहती है कि नहीं जी पोस्टिंग आपका क्रेडिट साइड में होगा तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे आपका. आप अपनी आत्मा से जरूर पूछना. सर हमारी आत्मा कैसे जवाब देगी, सर कैसे जवाब देगी, पूछना ना. कम से कम एक बार एक काम करना, एक बार आंखें बंद करके आप भगवान के पास जाना और बोलना मेरी आत्मा मुझे बताओ, मुझे बताओ कि आखिर ये कहाँ जाएगा. वो आत्मा आपको बता देगी. अगर वो आत्मा जवाब नहीं देती तो आप वहां से उठना नहीं मेरे बच्चे. आप खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, चाहे कुछ भी हो जाए, मत उठना वहां से. जब तक आत्मा आपको प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे देती है तब तक आपको नहीं उठना, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए.
पापा मम्मी कितना भी पीटे कि क्या कर रहा क्या, बट नहीं मानना उनकी बात, बोलना कि आज तो आत्मा से बातें करके रहूंगा, वही आत्मा आप यहाँ पे, वही आत्मा की बात कर रहा हूं। ठीक है फिर, अरे यहां भी देखो परचेज कहां दिख रहा है, डेबिट में, तो ये डेबिट में है, यानी कि दोनों एंट्री परचेज अकाउंट के कहां जाएंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। आइए पहले हम इसकी बात कर लें, 10 तारीख वाली एंट्री डेबिट में है, डेबिट साइड लिखो 10 जनवरी। मुझे बताओ आपने परचेज अकाउंट डेबिट में है ना, तो क्या परचेज अकाउंट में परचेज का नाम आएगा क्या? नहीं सर, अपोजिट वाले का आता है। तो क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट, लिखो ना, लिखो ना, आप यहां बोलेंगे टू कैश अकाउंट, आप यहां बोलेंगे टू कैश अकाउंट, तो आपने टू कैश अकाउंट, और जरा बताओ कितने की एंट्री है, 120,000, 1,20,000 रुपए, ये भी आ गया। फिर देखो 14 जनवरी, ये भी परचेज डेबिट में दिख रहा है, तो पोस्टिंग डेबिट में आ गया। तो आपने 14 जनवरी को आपने यहां बोला टू, जरा बताओ क्या लिखा आपने, टू सोहन अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा टू सोहन अकाउंट, यहां पे आ जाएगा टू सोहन अकाउंट। बताओ ना ये एंट्री कितने से है, 75,000। जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में, नाम आएगा अपोजिट वाले का, ठीक है ना। बस काम खत्म हो गया, अब तो मुझे कहीं परचेज दिख नहीं रहा है, तो पता मैं क्या करूंगा। ये देखो जरा बताओ पूरे महीने में आपका परचेज कितना हुआ, 120 प्लस 75 कितना हो गया, 195 मेरे बच्चे, 1,95,000 का परचेज हुआ आपका, 195 का। तो जो 195 परचेज हुआ आपका, जरा बताओ इसमें से कुछ कम भी हुआ है क्या? नहीं सर। तो आप क्या करना, महीने के एंड में यानी कि 31 जनवरी को आप यहां कह देना बाय बैलेंस सीडी फॉर कैरी डाउन, कैरी मतलब हमारे पास कितना पड़ा हुआ टोटल परचेज आपका। तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, यहां 195 तो यहां भी लिखो 195। मुझे आप में से कोई भी बच्चा जल्दी से बताए कि 195 में अगर कुछ भी माइनस नहीं किया तो बैलेंस कितना बचेगा, सर 195। कितना फास्ट जवाब देते हैं आप, कितना फास्ट, मुझे हैरानी हो जाती है कि इतना फास्ट ये बच्चे कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे ये बच्चे जवाब दे सकते हैं। खैर चलो, हमारा परचेज अकाउंट का बैलेंस आ गया 195 आपका। आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो। सर ये तो बहुत बोरिंग, सर बहुत बोरिंग। बोरिंग कहाँ बच्चे, अच्छा लग रहा है, लिखो ना यहाँ पे परचेज अकाउंट भी हमने बना लिया। जिसका अकाउंट बना रहे, और बताओ आज एक और बना देता हूँ कोई अकाउंट, अब इसको मिटा देता हूँ। सर इसको क्यों रखा था आपने, ऐसे ही रखा था, लो आप बार बार कह रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया। आओ जरा अब हम आते हैं आपका, और कोई लेजर बता दो, जो बोलो वो बता दूंगा, कोई भी लेजर बना सकते हैं आप यहाँ पे, कोई भी लेजर। तो चलो एक और देख लेते हैं जी, हम ऐसे सब बनता है, सेल्स का देख लेते हैं, सेल्स का लिखो मेरे साथ यहाँ पे, अगला अकाउंट आप यहाँ बनाएंगे लेजर अकाउंट सेल्स का, तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सेल्स अकाउंट। अकाउंट का मतलब कि सेल्स की अब सारी बातें एक जगह इकट्ठा की जा रही हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग हो जाता बच्चे आपका जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग हो जाता लेजर अकाउंट, क्लासीफाई कर रहा हूँ एक जगह की चीज़ें, एक जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। तो ये लीजिए आपका यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ भी आपका 1, 2, 3, ठीक है ना। ये हमारा डेट कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स आपका हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स आपका हो गया, ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया, यहाँ पे हमारा डेट कॉलम फिर से, पर्टिकुलर्स आपका हो गया, पर्टिकुलर्स आपका हो गया, अमाउंट कॉलम आपका हो गया। और आप जानते हो कि इस साइड को डेबिट साइड हम बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं जी, क्रेडिट साइड। हमने कहा है कि दुनिया का दस्तूर है, ये हमेशा होगा मेरे बच्चे, हमेशा होगा। अब हम सेल्स की बातें करते हैं, ढूंढते हैं जरा सेल्स हमें कहाँ दिख रहा है। मैं इसको हटा दूँ अब, और मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये देखो आप सेल्स यहाँ देखा 28 तारीख को, 28 को मेरे बच्चे, तो सेल जरा बताओ कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में। सेल्स कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में। तो लिख दो यहाँ पे आपका सेल्स जो है, जिसका अकाउंट बना रहे हो वो क्रेडिट में आपका है, क्रेडिट में। फिर देखो शाम को हमने सेल किया, ये भी सेल्स कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में। तो आप यहाँ पे कर दो क्रेडिट आपका, और कहीं है नहीं सर। हम लोग जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं
कि जनरल एंट्री में वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर वो क्रेडिट में तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आ जाएगा, डेबिट तो डेबिट में। आओ जरा ये देखो, सेल्स अकाउंट बना रहा हूं बच्चे, इस अकाउंट में अंदर में सेल्स का नाम नहीं आएगा, अपोजिट वाले का आएगा। तो सेल्स ना बताओ क्रेडिट में है ना, पोस्टिंग कहां चला गया, क्रेडिट साइड में। नाम किसका लिखेंगे, कैश का, कैश का। तो 28 तारीख 28 जनवरी को हमने क्या बोला, इस साइड में लगाते हैं बाय। मैंने कहा है कि ये कोई रीजन नहीं है कुछ, इसका रूल है पहले से हम करते तो करते हैं जी। कितना, 950। तो 9,50,000 का अमाउंट आपका हो गया हमारा। सेल्स में क्या बोल दिया, बाय कैश, ये काम पूरा हो गया। फिर कहता कि 30 तारीख को शाम टू सेल्स। बताओ सेल्स कहां दिख रहा है, क्रेडिट में। पोस्टिंग कहां गया, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। क्या नाम लिखेंगे जी, श्याम। तो 30 तारीख को, 30 जनवरी को हम यहां क्या बोल देंगे, बाय। इधर हम बाय लगा देते हैं अच्छा दिखने के लिए, बाय श्याम अकाउंट। बोलिए कितना आपका है, कितना अमाउंट है, 350 है ना। तो 3,50,000 का अमाउंट, 350। और कहीं दिख रहा आपको यहां पे सेल्स की बात है, नहीं सर, सेल्स की दो एंट्री है। एक हमने सेल्स 9.5 लाख का कैश पे किया था और 3.5 लाख का 350 का सेल्स हमने क्रेडिट पे किया था। टोटल सेल्स कितना हो गया, 13 लाख। कोई बात नहीं, वही यहां भी दिखेगा, लेजर वही बताता है। आप अब इसको क्लोज करो, बताओ ये टोटल कितना आ गया, ये हो गया 13 लाख। ये कितना हो गया, 13 लाख। ये डबल लाइन है मेरे बच्चे। आप इधर भी क्या करो, इधर भी क्या करो, लिख दो यहां पे 13 लाख का अमाउंट, 13 लाख का अमाउंट। अब जरा बताओ 13 में माइनस करना कुछ है नहीं सर, कुछ है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, 13 लाख। कुछ हो तब तो माइनस करूंगा, नहीं तो फिर वही आ जाएगा। और इधर बाई आता है, यहां क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि एंड का बैलेंस है। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस सीडी, सीडी फॉर कैरी डाउन। और ये 31 जनवरी की एंट्री आपने की है, 31 जनवरी की। दुनिया वाले पूछ दें कि बताओ जनवरी के महीने में आपने सेल कितना किया, तो आप कहना कि जनवरी महीने में 13 लाख का सेल हुआ है जी। कैसे तो बताना, देख लो, 9.5 लाख का कैश पे बेचा है, 3.5 लाख का शाम को बेचा है, हो गया 13 लाख रुपए। लेजर अकाउंट, बेसिकली वी आर रिकॉर्डिंग सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, किसी एक अकाउंट से जुड़ा हुआ। वो जितने नाम होते हैं, आपका कैपिटल हो गया, जितना आपका जो भी होगा, सबका अकाउंट खोला जाएगा, सबकी एंट्री होगी। आज मेरे बच्चे क्लास में हम इतनी ही बातें करते हैं, इस विश्वास के साथ जाता हूं कि अगली क्लास में आप प्रॉपर रिविजन करके आएंगे लेजर अकाउंट का, जो मेरा ये क्लास अभी गुजरा है। आपको एक बार ना समझ में आए, दो बार देखना, बट पूरा समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो अकाउंटिंग लैंग्वेज से हटके कुछ होती है। वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो हमारा होता था जनरल, उसको हमने क्या किया, सेकेंडरी में कन्वर्ट किया लेजर में। सर जनरल को फिर लेजर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, सर क्यों करते हैं, एक जैसी बात है एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर सर ये क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा सब्र करना, आगे थ्योरी में सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये काम करते हैं इतना विश्वास रखना। अगली क्लास में मिलूंगा, लेजर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, और शायद मैं आपको ट्रिक भी समझा दूं अगली क्लास में। ना भी समझा पाऊं अगली क्लास में तो कौन सी जिंदगी गुजर रही है, इतने समय पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसकी अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन ट्रिक बताऊंगा जरूर, कसम खाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे। थैंक यू जी।